हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन टीचिंग टेम्पल। फ्रेंड्स, आज हम एसे देखेंगे द दीपावली फेस्टिवल, यानी द दीपावली फेस्टिवल पर एसे देखेंगे। अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि द दीपावली फेस्टिवल या द दीपावली पर एसे लिखिए, तो आप बहुत ही कन्फ्यूज सा हो जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दीपावली फेस्टिवल पर एसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, इसमें देखेंगे यानी एसे लिखते समय सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। यानी ये देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ऐसे हेडिंग डाल के आप लिखेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में से आपका होता है परिचय या प्रस्तावना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, दीपावली इज अ फेमस फेस्टिवल हिंदूज, ठीक है। यानी दीपावली इज मीन्स ए मीन्स एक, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, हिंदू मीन्स हिंदुओं का। यानी दीपावली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट मीन्स यह इज मीन्स है द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि रोशनी का। यानी यह त्यौहार या यह रोशनी का त्यौहार है, यह रोशनी का त्यौहार है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, इट मीन्स यह इज मीन्स है सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में, यानी कि यह पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, देखिए, टाइम एंड रीजन। टाइम यानी समय एंड और रीजन मीन्स कारण, यानी समय और कारण। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक अमावस्या, यहाँ पर देखेंगे इट मीन्स यह इज मीन्स है सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है ऑन कार्तिक अमावस्या, यानी कि कार्तिक अमावस्या पर, यानी यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे, सम पीपुल बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा कम बैक टू अयोध्या ऑफ 1014 ईयर फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। देखिए, सम पीपुल यानी कुछ लोगों, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, यानी कुछ लोग विश्वास करते हैं दैट कि ऑन दिस डे यानी इस दिन लॉर्ड रामा यानी भगवान राम कम बैक टू अयोध्या आफ्टर 1014 ईयर फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ से देखेंगे, सम पीपुल यानी कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इस दिन भगवान राम, ठीक है, इस दिन भगवान राम 14 साल के बाद वनवास से अयोध्या वापस लौटे थे, 14 ईयर फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि 14 वर्ष के बाद वनवास से अयोध्या आए थे। ये कोई भी ऐसे लिखते समय सबसे पहले हम इसको स्टोरी टाइप कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत ईजिली अच्छे तरह से लिख जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट से होगा, सो द पीपुल लाइटेड अर्थन लैम्प्स इन देयर हाउसेस टू वेलकम हिम। सो द पीपुल, इसलिए लोग लाइटेड में जलाए अर्थन लैम्प्स यानी मिट्टी के दिए इन देयर हाउसेज अप टू वेलकम हिम, यानी कि लोग मिट्टी के दिए अपने घरों में, यानी कि उनके स्वागत के लिए अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाए। The Jains believe that Lord Mahavir got nirvana on this day. यानी the Jains believe यानी कि ऐसा माना जाता है कि that the Lord Mahavir got, sorry यहाँ से देखेंगे, Mahavir got nirvana on this day. यानी ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर को इसी दिन निर्वाह मिला था, on this day यानी इस दिन निर्वाह मिला था, ऐसा लोगों का कहना है। आगे देखेंगे, आगे हम हेडिंग क्या डालेंगे, देखिए, हाउ सेलिब्रेटेड यानी कि कैसे मनाया जाता है, ठीक है। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाना होता है, यानी कैसे मनाया जाता है, इसको देखेंगे। पीपुल आर इन हाई स्पिरिट्स, ठीक है। पीपुल्स यानी लोगों में, आर इन हाई स्पिरिट्स यानी कि लोगों में इस दिन क्या होता है, जोश में होते हैं, ठीक है, इस दिन लोग जोश में हैं होते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेस एंड शॉप्स लैम्प्स आर पुट्स एवरीवेयर, यानी कि दे वे डेकोरेट में सजाते हैं देयर हाउसेस अपने घरों को एंड शॉप्स यानी दुकानों को, लैम्प्स ऑन द पुट एवरीवेयर, ठीक है। इनके लोग जोश में होते हैं और अपने घरों को सजाते हैं और दुकानों के हर जगह दिया जलाते, एवरीवेयर यानी हर जगह दिया जलाते हैं।
आगे देखेंगे, पीपुल लाइट्स कलरफुल कैंडल्स स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, पीपुल लाइट्स यानी लोग जलाते हैं, कलरफुल कैंडल्स यानी कि लोग रंग बिरंगे मोमबत्तियाँ, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड यानी कि लोग रंग बिरंगे मोमबत्तियाँ जलाते हैं और स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड। और यहाँ पर देखेंगे और क्या, और स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज, और मिठाइयों और उपहारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग देखेंगे कि मिठाइयों का और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज मिस होता है, एक्सचेंज्ड मिस होता है आदान प्रदान करना। आगे देखेंगे, चिल्ड्रेन प्ले विथ फायर वर्क, बच्चे प्ले मिस खेलते हैं विथ फायर वर्क यानी कि बच्चे आग से खेलते हैं। ठीक है, एट नाइट पीपुल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस वेल्थ, एट नाइन यानी रात में पीपुल मिस लोग वर्शिप मिस पूजा करते हैं लक्ष्मी द गॉडेस वेल्थ यानी कि लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे। देखिए यहाँ पर सम बैड हैबिट्स यानी कि इस दिन क्या होता है, बहुत कुछ यहाँ पर बुरी आदतें इन लोग की होती है यानी सम बैड हैबिट्स यानी कुछ बुरी आदतें। देखिए इसमें क्या होता है, दिस फेस्टिवल हैज सम ड्रॉबैक आल्सो सो पीपल ड्रिंक ऑन दिस डे। यहाँ पर देखेंगे इन लोग की क्या बुरी आदतें, क्या गंदी आदतें हैं यानी कि दिस फेस्टिवल यानी इस त्यौहार पर, यानी कि इस त्यौहार पर हैज सम ड्रॉबैक आल्सो सो पीपल ड्रिंक ऑन दिस डे यानी इस त्यौहार की कुछ खामियां होती हैं, ड्रॉबैक मीन्स होता है खामियां, यानी इस त्यौहार की कुछ खामियां भी हैं कि कुछ लोग ऑन दिस डे यानी इस दिन क्या करते हैं, इस दिन शराब पीते हैं। सम पीपुल गैम्बल ऑन द दीपावली, सम पीपुल यानी कुछ लोग गैम्बल यानी कि जुआ ऑन दीपावली यानी दीपावली के दिन, यानी कुछ लोग दीपावली पर जुआ खेलते हैं। दस द लॉस देयर हार्ट एक एयरने, यहाँ पर अर्नड मनी, ठीक है, दस द लॉस यानी कि इस प्रकार देयर हार्ड अर्नड मनी यानी कि इस प्रकार अपनी मेहनत की कमाई को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, हार्ड यानी मेहनत की कमाई को खो देते हैं। देयर आर मनी एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर वर्क्स, और आग के कामों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट यानी कि कई दुर्घटनाएं होती हैं। आगे हम क्या हेडिंग डालेंगे, कंक्लूसन यानी इसका निष्कर्ष लिखेंगे, इसका पूरा निचोड़ क्या है, इसका ऐसे भी लिखेंगे कंक्लूसन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दीपावली इज अ गुड फेस्टिवल, दिवाली एक अच्छा त्यौहार है। ठीक है, दिवाली एक अच्छा त्यौहार है। दिस फेस्टिवल गिव्स अस हैप्पीनेस ओनली यानी कि यह त्यौहार हमें इस दिन खुशियाँ देती है। ठीक है, ऑन दिस डे द होल फैमिली इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, और पूरा परिवार ऑन दिस डे यानी इस दिन होल फैमिली यानी पूरा परिवार इज मिस है फुल ऑफ हैप्पीनेस यानी कि और पूरा परिवार खुशियों से भरा रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे हैप्पी दिवाली। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा आई होप आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो से आपने कुछ भी नॉलेज पाया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।